तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार चौथा दिन है जब करणी सेना अपना प्रदर्शन कर रही है और इस वक्त नारे भी लग रहे हैं मध्य प्रदेश का एक ही किंग जीवन सिंह जीवन सिंह। आपको दिखाते हैं तस्वीरों में किस तरह से नारेबाजी यहां पर हो रही है। पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी है क्योंकि विधानसभा का घेराव करने के लिए करणी सेना के लोग पहुंच रहे थे और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर से यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। एक दिन का ये महा आंदोलन था मगर जिस तरह का हुजूम जिस तरह की भीड़ आई उसके बाद हमने देखा कि लगातार यहां पर लोग आते गए और चौथा दिन है जब ये प्रदर्शन चल रहा है। जीवन सिंह जी हमारे साथ है, करणी सेना के प्रमुख है, उनसे बातचीत करते हैं। तो लगातार ये चौथा दिन है जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की ओर से अभी तक कोई बातचीत हुई आपकी? चौथा दिन शुरू हो गया? हाँ नहीं, बातचीत हो रही है। जो अरविंद जी भदौरिया है उनके फोन आ रहे हैं बार बार, उनको हमने हमारा जो 22 सूत्री मांगों का जो लेटर पैड है वो भी भेज दिया है, पहले भी भेज चुके थे हम। और यदि कोई आंदोलन होता है तो कुपिया एजेंसी वैसे ही सरकारों के पास जो उनकी मांगे होती है वो पहुंचा देती है, पर फिर भी हमने हमारी तरफ से जो उनको चाहिए था वो हमने मांग पत्र पहले ही पहुंचा दिया है और उस पर चर्चा भी चल रही है। वो बोल रहे हैं बार बार कि हम आपकी मांगे पूरी करने को तैयार है, तो जब तक वो मांगे पूरी नहीं होगी तब हम उस पर कैसे विश्वास करेंगे कि हाँ पूरी कर दिए या आपने कुछ हमसे बात करी आके। खाली फोन के माध्यम से बात हो रही है और जो हमारी टीम है वो अभी तक लगातार लगी हुई है उनसे बातचीत में कि कोई भी इस पर निष्कर्ष निकले और जो हमारी बातें उनको पूरा किया जाए। तो आपको क्या लगता है ये कितने दिनों तक ये आंदोलन चलता रहेगा? जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक तो आंदोलन चलेगा। एक बड़ा आंदोलन हमने अभी शाहीन बाग में भी देखा था, लंबा आंदोलन था, महीनों तक चलता रहा। तो इसी तरह से आप लोग भी डटे रहेंगे, आप हटेंगे नहीं यहाँ से? हम तो वैसे भी हटने वाले नहीं है, पर हमें किसी आंदोलन से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंदोलन जनता के द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन है, पूरी तरीके से इसको जनता चला रही है। और अब किसी दूसरे आंदोलन से हमारा ना तो कंपटीशन है ना उससे कोई लेना देना है। हमारा आंदोलन जन आंदोलन है और जन आंदोलन में सर्व समाज के लोग उपस्थित हो रहे हैं और सर्व समाज की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें हर उस वर्ग को फायदा है, भले वो जनरल का हो, ओबीसी का हो या एसटीएससी का हो। जो किसान है किसानों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हर एक उस गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि इनमें किसी में भी जाति नहीं है। ना तो जाति गरीबी देख के आती है, ना किसान किसी जाति का हो सकता है, हर वर्ग हर जाति का व्यक्ति किसान है। छात्र की भी कोई जाति नहीं होती, छात्र भी हर जाति वर्ग का होता है। हम इन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं और जवान जो सेना से रिटायर्ड है उनका जो आरक्षण 10% जो मिलता था वो समाप्त कर दिया गया, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये जो पुलिसकर्मी जो आज हमारे सामने खड़े हैं इनकी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि इसमें किसी में भी जातिवाद नहीं है। हर व्यक्ति सेना में है, हर जाति वर्ग का, और हर व्यक्ति पुलिस में है। हर व्यक्ति हर जाति वर्ग का व्यक्ति चिकित्सक है, हम उन चिकित्सकों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अतिथि शिक्षकों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो स्वास्थ्य कर्मी है संविदा स्वास्थ्य कर्मी, और जो कोरोना काल में जो योद्धा थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर फ्रंट लाइन में लड़ाई लड़ी, आप और हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, उन लोगों को भी आज कहीं ना कहीं सरकार ने बाहर कर दिया तो हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई किसी जाति वर्ग की नहीं है, ये हर उस वर्ग व्यक्ति की है जो कहीं ना कहीं सरकार से प्रताड़ित है और कहीं ना कहीं सरकार की वास्तविक योजनाओं से वंचित है। कांग्रेस की ओर से कोई बातचीत हुई? कोई नेता आया आप लोगों से बातचीत करने? हमारी किसी से बातचीत नहीं हुई। हाँ हमने ट्विटर पे और इस पे जरूर देखा था कि वो हमारा समर्थन करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि यदि आप समर्थन करते हैं तो विधानसभा में उस बात को उठाइए और हमारी जो बातें हैं उनको मैनिफेस्टो में लेके चुनाव लड़िए। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है आपका कि मैं मर भी जाऊं तो भी आप लोग यहीं रहना, इस तरह का क्या है, क्या कहना चाहते हैं? अनशन है, अब आमरण अनशन में तो ऐसा ही होता है, यदि आपकी बातें नहीं मानी गई तो कब तक जीलेगा आदमी? कुछ तो चाहिए शरीर को, यदि हमारे शरीर ने प्राण त्याग दिए भूख की वजह से तो भी ये आंदोलन चलता रहेगा। और हमने सबसे अपील की है कि ये आंदोलन जो है ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, न कि इसमें उपद्रव करना है। हमने लाखों लोगों को इकट्ठा करा फिर भी कहीं एक ईंट नहीं हिलने दी और हम अभी भी यही निवेदन कर रहे हैं सबसे कि यदि हम मर जाए तो जो प्रोसेस होती है अंतिम क्रिया की वो करके यहाँ जो लोग बैठे वो आंदोलन में ही शामिल रहे और उस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाए ताकि देश को दिखे दुनिया को दिखे कि ये लोग जो क्षत्रिय समाज सर्व समाज को साथ में लेके आंदोलन कर रही है वो कोई भी देश विरोधी नहीं है। हम सब लोग राष्ट्रहित चाहते हैं, हमारे लिए सबसे पहले तिरंगा है, उसके बाद भगवा है और उसके बाद हम अपने आप के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, अपने तिरंगे और अपने भगवा के बारे में सोचेंगे और ये जितने भी लोग यहाँ लड़ रहे हैं सब राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, राष्ट्रहित की बातों के लिए लड़ रहे हैं और राष्ट्रहित के मुद्दों पे लड़ रहे हैं, न कि हमारे पास कोई ऐसा मुद्दा है जिससे राष्ट्र को कोई नुकसान हो या किसी जाति वर्ग को। यानी अब आपने भी ठान लिया है कि ये आर पार की लड़ाई है? बिल्कुल, अब या तो उस पार या इस पार। बिल्कुल, आर पार की लड़ाई है और इसमें हम हमारी बातें मनवा के रहेंगे तभी यहाँ से पांव पीछे देंगे।
चलिए, तो स्पष्ट कर दिया है करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह ने भी कि अब चाहे प्राण भी चले जाए मगर यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक वो यहाँ से कहीं और नहीं जाने वाले हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भोपाल।